हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीणा और आज मैं आप लोगों के लिए ये देखिए इस तरह का ड्रेस बताऊंगी कि कैसे बनाना है। और ये देखिए मैं दो कलर में बनाई हूँ, और मतलब पर्पल और वाइट कलर में। आप चाहे तो कलर आप अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हैं कि आपको कलर कौन सा पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दो नंबर की चोली पहले से हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लिया। और तीन चैन लेने के बाद सेम ये देखिए सेम इसी जगह पे डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा हो गया दो। फिर अगले वाले चैन में हर बार क्या करते हैं हम, पहले दो डबल क्रोशिया, फिर सॉरी एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले चैन में दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। मगर अब हमें क्या करना है, इसमें हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल यहाँ हमारे 20 चेन है, तो 20 चेन में टोटल दो दो बनाएंगे तो 40 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। लास्ट में दो बार बनाएंगे, एक और सेम जगह पे एक बार और बना लेंगे, दो हो गया। थर्ड वाले चैन में जॉइंट करेंगे, चैन लेंगे एक दो तीन, तीन अगले वाले चैन में दो बार बनाएंगे, एक और सेम उसी जगह पे बनाएंगे, ये हो गए दो। फिर अगले वाले चैन में एक बार, फिर अगले वाले चैन में बनाएंगे। तो इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले ये देखिए एक बनाया, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक। तो इसी तरह राउंड हमें कंप्लीट करना है। अब दो बनाएंगे लास्ट में। तो ये देखिए पहले इधर हमने एक बनाया और एक स्टार्ट किए, तो लास्ट में ये देखिए दो बनाएंगे, एक, ये हमारा हो गया दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। धागे को हम कट नहीं करेंगे। देखिए तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन ले लिया हमने। और हमें क्या करना है, पहले ब्लू वाला धागा और वाइट वाले दोनों को पकड़ेंगे और अच्छे से नॉट लगा लेंगे। हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक और बना लेंगे हम, देखिए ब्लू वाला धागा पकड़ेंगे और थर्ड वाले चैन में जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह का पैटर्न, ये सर्कल हमारा बन के कंप्लीट हुआ। पहले एक दो तीन, तीन चैन लेंगे, लूप लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हो गया हमारा, तीन, चार, पांच और एक ये हमारा हो गया छः। चैन बनाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन बनाएंगे, सॉरी एक और बना लेंगे, छः, छः चैन बनाएंगे, लूप लेंगे। ये हमारा हो गया एक दो तीन, फोर्थ वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, और ये फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह। फिर से छह डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार, पांच, एक ये हमारा हो गया छह, एक दो
तीन चार पाँच और छः चैन लेंगे, एक दो तीन स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा थर्ड वाला चैन, से पकड़ेंगे ये धागे को, छोड़ देंगे, वाइट वाला धागा ले लेंगे, लेंगे और ये धागे को अपने से ब्लू वाले धागे को खींच देंगे। अभी देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो हमारे पास छः डबल क्रोशिया हैं। तो फर्स्ट वाले में हमें नहीं बनाना है, सेकंड वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, दो तीन, और ये हमारा हो गया चार। चार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लूप लेंगे और इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया हमारा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात हो गए हमारे। ये हो गया आठ, नौ और ये हो गया हमारे दस। तो इस तरह हम दस डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये डबल क्रोशिया है, इसे स्किप करेंगे। फर्स्ट वाले में हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। तो इसी तरह राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए दस डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब फर्स्ट वाली ये देखिए, जो एक दो तीन चार, फर्स्ट वाले जो हमारे सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमें पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए एक चैन लेंगे और ये धागे को वाइट वाले को कट कर देंगे। ये दस डबल क्रोशिया बनाए, तो फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चैन ये देखिए ऊपर धागे को हम खींच लेंगे। अब चार चैन बना लेंगे, एक दो तीन, एक चार, चार चैन बनाएंगे, लूप लेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया बनाएंगे चैन में, फिर देखिए फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक दो तीन चार, फिर ये डबल क्रोशिया, अब हमें क्या करना है, देखिए पांच डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया लेंगे और ये देखिए लूप उठा लेंगे हम, देखिए चैन के नीचे वाली जो ये दो लूप रहती है हमारी, इसे उठा लेंगे और हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन लेंगे, फिर एक चैन, तीन, चार हो गया हमारा, एक चैन और ये पांच हो गए। अब हमें क्या करना है कि देखिए पांच डबल क्रोशिया इधर बनाए,
और फिर 5 इधर लूप लेंगे। ये जो फर्स्ट वाली हमारी डबल क्रोशिया है इसे लेंगे और ये देखिए सीधा हाइट में थोड़ा सा खींच लेंगे, फिर लूप लेंगे और इधर वाला लास्ट वाले को उठाएंगे, धागे को इस तरह खींच लेंगे, सभी को एक साथ निकाल लेंगे, एक चैन ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न हमारा ये भी पैटर्न बनेगा। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चैन में बनाएंगे, ये देखिए एक चैन। तो इसी तरह राउंड हमें कंप्लीट करना है और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, ये हमारा पांचवा डबल क्रोशिया। चार चैन लेंगे, 1 2 3 4, चार चैन ले लिए। अभी देखिए इस चैन के नीचे दो लूप हमारे, इसे उठा लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, लूप लेंगे, ये फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे हम, हाइट में करेंगे, ये देखिए, फिर लूप लेंगे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया को उठा लेंगे, ये सभी को एक साथ निकाल देंगे और एक चैन ले लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड वाले चैन में जॉइंट करेंगे, एक चैन लेंगे और धागे को कट कर देंगे, पीछे साइड करेंगे, पहले व्हाइट वाले धागे को उठा लेंगे पीछे साइड से, ये देखिए अब ब्लू वाले धागे को पकड़ेंगे और हमें पीछे साइड से ही, ये देखिए पीछे डबल क्रोशिया है, एक लूप उठाना हमें और बस इसके अंदर इस तरह खींच लेंगे और धागे को कट कर देंगे, ये देखिए। अब हमें किनारी बना लेते हैं फिर आपको कंप्लीट दिखाते हैं। तो ये देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गया है और बनने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी डिजाइन लग रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।